हेलो एंड वेलकम टू फिल्म वाला। आफ्टर पठान दोस्तों, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स अपनी अपकमिंग मूवीज की अनाउंसमेंट करने लग गए हैं। जहां भाईजान सलमान खान ने अपनी अपकमिंग मच वेटेड टाइगर 3 के अनाउंसमेंट कर दी है। दोस्तों पहले सोचा जा रहा था कि पठान और टाइगर 3 शायद एक ही मंथ में रिलीज होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। पठान रिलीज होगी 25 जनवरी को और टाइगर 3 रिलीज होने वाली है 21 अप्रैल को। मतलब 2023 में एक बार फिर भाईजान हमें बहुत बढ़िया ईदी देंगे। अनाउंसमेंट टीजर मजेदार है, जिस तरह कैटरीना कैफ ट्रेनिंग कर रही होती है और फिर जैसे ही कैमरा टाइगर की तरफ घूमता है और वो टाइगर वाला बैकग्राउंड म्यूजिक जो बजता है पीछे से, वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों। बट मैं अगर कंपैरिजन करूं कि पठान की अनाउंसमेंट ज्यादा बढ़िया थी या टाइगर 3 की, तो मैं कहूंगा यार पठान की। मतलब 60-40 वाला ही हिसाब बनता है। कैटरीना कैफ इज लुकिंग सो फिट यार, वो दिन ब दिन और भी फिट होती जा रही है। एंड सलमान खान के जो मसल्स दिखाए गए हैं यार, सो यार लग रहा है कि टाइगर अपना शिकार करने वापस आ रहा है। मनीष शर्मा इसे डायरेक्ट करने वाले हैं, मतलब कि टाइगर सीरीज के जितने भी पार्ट्स हैं वो अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किए हैं। एक था टाइगर, कबीर खान ने डायरेक्ट की, टाइगर जिंदा है अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट की, और अभी टाइगर 3 मनीष शर्मा डायरेक्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं मनीष शर्मा इस सीरीज के पार्ट 3 को कितना मजेदार बना पाते हैं। तो दोस्तों रहिएगा तैयार 21 अप्रैल ईद के मौका पर टाइगर 3 के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, और बाकी इस किस्म के और अपडेट्स के लिए स्टे विद फिल्म वाला।